हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे हो गए। और ये कल हम और नयन घूमने गए हुए थे नीचे, ऐसे ही बस सोसाइटी का ऐसे ग्राउंड लगाने, क्योंकि बच्चों का होता है ना, आप घर पे हमेशा नहीं रख सकते। और टाइम देखो अभी हो गया है 7:38, और हम लोग नीचे हैं। ये देखो हमारे सोसाइटी में कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, ये शरीफा बोलते हैं इसको। देखो कितना सुंदर सुंदर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते भी। शरीफा पका नहीं है, देख सकते हो आप, सब सारे हरे हरे हैं। यहाँ बच्चे तोड़ लेते हैं, एक्चुअली बहुत सारे थे, तो ऐसे खाए तो नहीं होंगे क्योंकि कच्चे गए, कच्चा कैसे ही खाएंगे, तो तोड़ लिए होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा था। यहाँ नैन थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, और ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है हल्की हल्की, तभी मैं नैन को बोल रही हूँ कि वो जल्दी चले। देखो कितना दूर, अभी बहुत ऊपर जाना है। तो पिज़्ज़ा का पार्टी ले लो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। वेट वेट पापा, आज नयन को पिज्जा खाने का बहुत मन था, नहीं नयन? हाँ। तो नयन पिज्जा मंगवाया। पिज्जा नहीं है, इसकंदर क्या है? हाँ पिज्जा इसकंदर। वाह क्या है मम्मा? लाओ देखा, बहुत सारा है यार। एक ये चिली फ्लेक है, ये तुमने खाएगा। एक और ओरिगैनो डालते हैं। दो को, तीन को, पांच को, इधर ही रखो, इधर रखो, मत करो। ये भी रहने दो, ये चिली फ्लेक तुमने खाएगा, ये लो दो नैन। खट्टा था तो खट्टा पसंद नहीं रखता। लो हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। हाँ। ये लो उठाओ यहाँ से। ऐसे नहीं लाओ, ये देखो ऐसे उठाया जाता है। हाँ। ठीक है, ऐसे खाओ, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ो, ऐसे खाओ। मम्मा ये खा लो, है टेस्टी। क्या नहीं खाओ, खाओ खाओ, देखो ऐसे चाहिए। खाओ। मैं मेरे खाने में कर कर क्या राहुल? मंगाने के बाद खाना पड़ता है ना। तो गाइस ये आज मॉर्निंग का है, मैं नाश्ता बना रही थी नैन का, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो मैंने आज सोचा कि चलो पूड़ियाँ एंड हलवा मैंने बनाया नैन के लिए, तो बस हलवा बन गया है, पूड़ी मैं जल्दी जल्दी तल लेती हूँ। नैन को पूड़ी बहुत पसंद है, और राहुल का छुट्टी है, तो बस नैन का नाश्ता मुझे प्रिपेयर करना है, उसको खिलाना है, थोड़े टिफ़िन में दे के बस उसको स्कूल भेजना है। तो मैं ये जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। Thank you.
ये देखो गाइस, ये सूजी का हलवा है जो मैंने नैन के लिए बनाया, उसको काफ़ी पसंद है मीठा, तो मैंने बना लिया। पूड़ियाँ मेरी हो गई, अब बस नैन को स्कूल भेजना है। तो ठीक है गाइस, नैन का शेड्यूल मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, टिफ़िन है ना उसको तैयार करना पड़ता है, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ नैन को स्कूल भेज के, तो फिर हम लोग अपने लिए क्या नाश्ता बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो गाइस ये देखो, अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 8:30 और मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए एंड पतिदेव के लिए। तो मैंने ये देखो मलाई है, मलाई में मैंने चीनी मिला दिया है और इसको ब्रेड पे बटर के साथ सेक दूँगी और ये काफ़ी अच्छा एंड हेवी नाश्ता बन के रेडी होता है। ये एक्चुअली मुझे मेरी ननद ने बताया था, तो वो उसके बच्चे बहुत पसंद करके खाते हैं, तो उसने बताया था कि मतलब अच्छा है ये खा सकते हो, उसने मुझे ट्राई करवाया था, तो मैंने बोला लाओ यही। और ये बहुत हेवी सा होता है ना, आपका पेट भी भर जाएगा और काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए भी, कभी कभी आप खा सकते हो। तो मैं मलाई ऐसे ही रख देती हूँ और जब मलाई हो जाता है 1-2 दिन का, मतलब थोड़ा ज़्यादा जमा, उसके बाद मैं उसमें चीनी मिला के एक दिन ऐसे, मतलब डेली आप मलाई का क्या ही नाश्ता करोगे, मतलब इतना भी ये नहीं है ना, मतलब हेल्थ वाइज सही नहीं है ना कि आप डेली मलाई ही खा रहे हो, तो इसीलिए कभी कभी चेंज करके कभी मैगी बना लेती हूँ, कभी पास्ता, कभी कुछ पोहा, तो ऐसे। तो आज मैंने ये रखा है मेन्यू, तो देख सकते हो ये बहुत यम्मी लगता है गाइस, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो बस हम लोग अपना नाश्ता के लिए जा रहे हैं और एक मैं खाऊंगी, मतलब 2 ब्रेड का 2 राहुल खाएंगे और एक मैंने अपने हेल्पर मेरी आई हुई है उनके लिए मैंने रेडी किया है कि उसको भी टेस्ट कराऊँ। अरे क्या है ना, देखो कि जब कोई आपके घर में हेल्प कराता है काम के लिए, तो मतलब मैं, मेरा है कि मानना कि मैं अगर खुद नाश्ता कर रही हूँ तो मैं कराती हूँ, जो भी बनाया है खुद के लिए तो मैं उसको भी कराती हूँ। तो अभी मैं बस इतना ही ब्रेड बचा था, तो 1-2 मैंने उसके लिए दिया, एक मतलब 2 ब्रेड का मैं खुद खाऊँगी, 2 राहुल खाएँगे। तो ये तो गाइज़ ये हम लोग जा रहे हैं मार्केट, बहुत बारिश हो रहा है, तो बस मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। Thank you.